सो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो का। इस वीडियो में कक्षा दसवीं का जो विषय समाज विज्ञान का पेपर है, देख लीजिए पूरा पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। और गाइस जो आपका विज्ञान का पेपर हो गया आप सो गाइस हमने आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन सहित पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया था टेलीग्राम पर। सो गाइस यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर दी थी सबसे पहले। सो गाइस यहाँ पर आपने विज्ञान का पेपर तो देख लिया होगा, अब आपका समाज विज्ञान का पूरा पूरा देख लेते हैं। सो गाइस जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है आंसर सहित पूरे पूरे क्वेश्चनों के देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा दसवीं विषय समाज विज्ञान और पूर्णांक 75 का, और समय आपके पास 3 घंटे का रहने वाला है। सो इस यहाँ पर निर्देश देख लेना आप, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 से 23 तक जो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर 6 से 17 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न और 21 से 23 तक विश्लेषणात्मक आपके प्रश्न है, और 23वां में आपको मानचित्र देखने को मिलने वाला। चलिए गाइस यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सही विकल्प का चयन करना है जो कि आपके 6 नंबर के हैं। सो इस पहला है निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड है। इसके बाद है श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। सो इसमें आपका कोलंबो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ज्यादा लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है उसे चुने। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। इसके बाद है चौथा, पांचवा है, इसके बाद चौथा है भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान पाक का प्रयोग करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर सा ऑप्शन जो राय दिया हुआ है तमिलनाडु है, वो ये आपका राइट आंसर है। फिर इसके बाद छठवां है हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, कथन किससे संबंधित है, कथन किससे संबंधित है, इसका जो हो जाएगा बांध विस्थापन से। इसके बाद है जो छठवां है लास्ट है आपका गिरमिट से क्या तात्पर्य है, गिरमिट से क्या तात्पर्य था, इसका था एग्रीमेंट से। सो इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो इसे आपके रिक्त जो है एक जो सही विकल्प है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है रिक्त स्थान देख लेते हैं आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सो चली गई यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला है गॉड सेव अवर नोबल किंग .. का राष्ट्रगान है, किसका राष्ट्रगान है। चलिए यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, चलिए इसी की रिक्त स्थान में लिख देते हैं। यहाँ पर इसमें हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन का राष्ट्रगान है ये, आपको इसमें ब्रिटेन भर देना है। इसके बाद यही से आ जाता है आपका दूसरा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ हैं कितनी हैं, कैसी आर्थिक कैसी गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ हैं। सो इसे यहाँ पर आपको भर देना है आर्थिक, यहाँ पर इसमें आर्थिक भर देना है। इसके बाद गतिविधियाँ आर्थिक हैं। इसके बाद है तीसरा, भारत में .. पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो इसमें किस पे आधारित है, यहाँ पर जाति पर। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जाति, चलिए इसी के रिक्त स्थान में भर देते हैं, इसमें जाति भर देना है आपको जाति, यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसका जो जाति राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद है जो चौथा है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल .. है क्या है, यहाँ पर बॉक्साइड। सो इसमें आपको लिख देना है बॉक्साइड, यहाँ पर बॉक्साइड यहाँ पर लिख देना है। सो इस यहाँ पर आपका जो जो 5-4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में देख लेते हैं, देख लीजिए चौथा तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका पाँचवा, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य .. से की गई है, किससे की गई है, यहाँ पर हरियाणा से की गई है। सो इसमें आपको लिख देना हरियाणा, सो इस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद है लोकतंत्र का मतलब है .. का शासन, किसका शासन, बहुतों का। सो इस यहाँ पर आपको लिख देना बहुतों, बहुतों का शासन इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ बनाइए, सही जोड़ियाँ बनाना है जो कि आपकी 6 नंबर की हैं। चलिए आपको बात से मिलाना है, पहला देख लीजिए सही जोड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। इसके बाद दूसरा आ जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा लंदन। इसके बाद है चौथा मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा UNDP। इसके बाद है पांचवा वाणिज्य हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची से। इसके बाद है प्राकृतिक पतन हो जाएगा मुंबई। सो इसी आपकी जो है सही जोड़ियाँ देख लीजिए कंप्लीट हो जाती हैं आपका। इस आपके जो है एक वाक्य के देख लेते हैं। सो इसी यहाँ पर एक वाक्य में आपको देख लीजिए एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है। सो चलिए इनके एक वाक्य शब्द में उत्तर देख लेते हैं। पहला है महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, किसे घोषित किया था, अगर इसे आपको बताना है। इसके बाद दूसरा है एक लेगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताबाई का नाम लिखिए,
इसके बाद तीसरा, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। और इसके बाद चौथा, मुद्रीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद है पाँचवा, न्यू केसल के ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। इसके बाद छठवां दिया हुआ, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी। इसने जो है 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, इसमें 34 किलोमीटर भर देना है आपको। इसके बाद जो है आपके जो एक क्वेश्चनों के आंसर हैं हमने कॉपी में लिख के रखे हैं, तो इसे आपके जो है दिखा देंगे आपको वीडियो के एंड में। इसके बाद सत्तर सत्तर देख लेते जल्दी से जल्द, सो इस यहाँ पर सत्तर सत्तर आपको जो बताना है इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है कौन सा असत्य। सो इस पहला है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। सो इसमें हाँ गाइस, इसमें बिल्कुल सत्य है, आपका पहला सत्य हो जाएगा, पहला सत्य। यहाँ पर दूसरा है, दूसरा, वन संरक्षण एवं प्रबंधक की दृष्टि से वनों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपका असत्य हो जाएगा, इसमें जो आपका असत्य हो जाएगा, पहला सत्य है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, इसका भी आपका असत्य हो जाएगा, इसे पसंद नहीं करती थी, तो इसका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश की विकास दर सबसे अधिक है, सो इसे हाँ बिल्कुल सही है, इसमें आपका सत्य हो जाएगा, जो चौथा है, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, सो इसी हाँ ये आपका सत्य हो जाएगा, इसमें जो है आपका सत्य। इसके बाद है, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण बताना है, जो आयात है इस प्रकार व्यापार का आपको एक उदाहरण बता देना है। चलिए यहाँ इसका जो इसका उदाहरण अवरोध होता है, सो इसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सत्य हो जाएगा, व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, सो इसे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सो इसमें जो है आपके सत्य सत्य पूरे पूरे कंप्लीट हो गए, सो इसे यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर फटाफट। अब आपके प्रश्न देख लेते हैं, सो इसे यहाँ पर प्रश्न देखने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बाद में भूल जाते हो, और अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है जो छठवां है आपका क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा हमें मानव निर्मित संसाधनों के चार कारण लिखना है, उदाहरण देना है। इसके बाद है सातवां है, औपनिवेश काल के में समाजवादी शासक अपने अनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे। इसके बाद अथवा में है, देख लीजिए इसका अथवा देख लेते हैं, इसका अथवा देख लीजिए, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद है आठवां, भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य। इसका अथवा में रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। इसके बाद नौवां है, औद्योगिकीकरण से शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे क्यों। इसके बाद महिलाओं के स्पिनिंग जेनिंग का विरोध क्यों किया। इसके बाद आपका दसवां, एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योगों का नाम लिखना है। इसके अथवा में उर्वरक उद्योग के तीन प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखना है। इसके बाद आ जाता है ग्यारहवां क्वेश्चन, ग्यारहवां, क्या आप समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता। यहाँ पर गाइस इसके अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में के विकास के तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं। सो इसमें आपको अपने हिसाब से लिख देना है। इसके बाद है जो बारहवां क्वेश्चन, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में दो अंतर लिखना है। इसके अथवा में वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम। इसके बाद है सोलहवां, रेल परिवहन का महत्व। इसके अथवा में दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इसके बाद है इस आपका चौदहवां क्वेश्चन, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। इसके अथवा में रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखना है। ये आपके दो दो नंबर वाली अभी क्वेश्चन है, देख लीजिए। पंद्रहवां है, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखना है। इसके अथवा में भारत सरकार द्वारा घोषित दो राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम। इसके अथवा जो है सोलहवां क्वेश्चन है, सोलहवां, इसका मौखिक सांस्कृतिक मुद्रिक संस्कृति में दाखिला हुई स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दो नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका अथवा, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति रची स्पष्ट कीजिए। ये आपका सोलहवां हो जाता है। इसके बाद सत्रहवां देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए गाइस, ये रहा आपका सत्रहवां, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इसके अथवा में 19वीं सदी में भारत में गरीबी जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। सो इसी आपको सत्रहवां हो जाता है। इसके बाद अठारहवां, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताना है। इसके अथवा में भारत के वन संरक्षण के कोई तीन उपाय लिखना है।
वन संरक्षण की आपको तीन उपाय लिख देना, सिंपल है। यहाँ पर इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने के लिए मुख्य तीन बिंदुओं लिखिए। इसके बाद अथवा में है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाना है। इसके बाद अब 20वां है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणधार गारंटी की मांग क्यों करता है। इसके अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का महत्व बताना है। इसके अथवा में गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए, कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई। ये आपका जो है 21वां हो जाता है। इसके बाद 22वां है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। इसके अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करना है। इसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित के मानचित्र जो भारत के मानचित्र है इसमें निम्नलिखित को अंकित करना है। देख लीजिए, उड़ीसा झारखंड और लोहे हस्कपेटी और सिंगरौली कोयला क्षेत्र और अमरकंठक तापीय विद्युत संयंत्र और कल्पकम आणविक ऊर्जा संयंत्र अथवा देवगा ननोरा और ट्रिटिकोरिन। और यहाँ पर देख लीजिए इन चारों चीज़ों को, दोनों में से आपको इन चारों चीज़ों में से आपको जो मानचित्र मिलेगा पेपर में अलग से, उसमें आपको दर्शाना है। तो इस तरह जो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, हमने आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब आपको जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।